नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर लेकर आए हैं जिसे आप मुगल काल की सबसे आखिरी धरोहर भी कह सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सफदरजंग के मकबरे की। आज हम पहुँचे हैं सफदरजंग के मकबरे में। तो आज हम आपको सफदरजंग के मकबरे का क्या कुछ इतिहास रहा है, आखिर वो इतना प्रसिद्ध क्यों रहा है, तो ये सारी बातें आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो और भी लेटेस्ट वीडियो हों उन्हें आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए शुरू करें। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें या फिर इस मकबरे को सफदरजंग का मकबरा क्यों कहा जाता है, तो उससे पहले कुछ सवाल सामने आते हैं कि आखिर इस किले का नाम सफदरजंग का मकबरा क्यों है। तो आपको बता दें कि मुगल काल में जो सबसे आखिरी शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हुआ करते थे सफदरजंग, जिनकी याद में ये मकबरा यहाँ पर बनवाया गया और कहा जाता है कि उनकी बेगम और उनकी कब्र को यहाँ पर रखा गया है। तो इस मकबरे के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें जो हैं वो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और साथ में अगर इस मकबरे की निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताएं, उसकी समय अवधि के बारे में बताएं, तो ये मकबरा 1753 से लेके 1754 के बीच में बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ। और साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस मकबरे के ठीक सामने आपको ये पूरा एक तालाब सा नज़र आता है जिसमें फाउंटेन्स का भी निर्माण किया गया है, लेकिन वो इस वक्त आपको जो है यहाँ पर चालू नहीं दिखाई देते हैं। और अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो बहुत से लोगों का कहना होता है कि ये मकबरा ताजमहल की तरह देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं कि ये मकबरा पूरी तरीके से लाल बलुए के पत्थरों के साथ साथ सफ़ेद संगमरमर की टाइलों से भी बनाया गया है, इसलिए जो ये कहा जाता है कि ये मकबरा ताजमहल की तरह दिखाई देता है वो बात पूरी तरीके से गलत साबित होती है। और अगर इसको आप अगर किसी चीज़ से जोड़ना ही चाहते हैं तो आप शायद हुमायूं के मकबरे के बारे में जानते होंगे। ये हुमायूं के मकबरे की पूरी तरीके से उसी की तरह दिखाई देता है। जिस कब्र की बात हम कर रहे थे उसे आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि इस मकबरे के बीचों बीच में स्थापित करी गई है। और अगर साथ में बताएं तो आप इसे मुगल काल के वास्तुकला की अंतिम लोह भी कह सकते हैं। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी वो कमेंट में लिख के बताएं। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी ही जगह हैं जिनके बारे में और भी लोगों को जानना चाहिए तो उनके बारे में भी कमेंट में लिखकर बताएं। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपका वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।